नमस्ते गाइस। सो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि लाइटरूम और स्नैपसीड दोनों मिला के एक फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हैं हम। लाइटरूम में जो सिलेक्टिव ऑप्शन है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और स्नैपसीड में जो डॉज एंड बर्न ऑप्शन है, जो सिलेक्टिव ऑप्शन है, वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले कोई भी इमेज में मैं उसका कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज एंड वाइट्स एंड ब्लैक्स को एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद उसका वाइब्रेंस चेक करता हूँ। इसके बाद मैं ये इमेज को डिहेज करूँगा और थोड़ी क्लैरिटी बढ़ाऊँगा। डिहेज करूँगा क्योंकि ये इमेज में हेज है, एंड डिहेज करने से फ़ोटो में क्वालिटी और बढ़ जाएगी। ये फ़ोटो एकदम स्टैंडर्ड एक्सपोजर पे क्लिक किया था, तो इफ़ आई डिहेज नाउ तो यू विल सी द मोर डिटेल्स। अभी आते हैं कलर बैलेंस पे। कलर में सबसे डोमिनेंट कलर यहाँ पे जो है वो ग्रीन है। जो ग्रीन है उसको मुझे डोमिनेंट दिखाना है, एंड मुझे लाइट रेज है वो मुझे सिलेक्टिव में करना है। अब हम थोड़ा इमेज को शार्प करेंगे और मास्किंग और नॉइज रिडक्शन करेंगे एज डिपेंड अपॉन द इमेज क्वालिटी। सिलेक्टिव एडिटिंग के लिए हम दो ऐप यूज़ कर सकते हैं, लाइटरूम और स्नैपसीड। लाइटरूम अगर आपके पास पेड वर्जन है उसमें सिलेक्टिव ऑप्शन है तो यू कैन यूज़ अ लाइटरूम, एंड अगर आपके पास उसमें पेड वर्जन नहीं है, सिलेक्टिव नहीं है, तो यू कैन यूज़ अ स्नैपसीड। Now I will use selective tool for enhance the light, और इसके अलावा स्नैपसीड में भी हम ये कर सकते हैं। हम इस इमेज को स्नैपसीड में लेके जाएंगे। अभी स्नैपसीड में जो डॉज एंड बर्न ऑप्शन है, जो ब्रश टूल है, उससे हम मैन्युअली लाइट को एनहांस करेंगे। स्नैपसीड में जो सिलेक्टिव ऑप्शन है वो बहुत ही इजी है, एंड उसमें और एक ऑप्शन है जो ब्रश ऑप्शन डॉज एंड बर्न का, एंड उसमें एक्सपोजर ऑप्शन भी है, टेम्परेचर ऑप्शन भी है। स्नैपसीड में जो सिलेक्टिव ऑप्शन है हम वो यूज़ करेंगे, एंड डॉज एंड बर्न यूज़ करेंगे टू एनहांस द लाइट। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्टे सेफ एंड टेक केयर।